हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास स्वेलट कंपनी की युवा गाड़ी आई हुई है। इसमें कस्टमर का कंप्लेन क्या है फ्रेंड, वो हम आपको बताते हैं। इसमें फ्रेंड कस्टमर का क्या कंप्लेन है कि जब ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है तो नीचे ऑयल पूरा उनको गिरा हुआ ड्रेन पे अपने लादी पे मिलता है, टाइल्स पे। तो हम चेक करेंगे कि इसका ऑयल कहाँ से ड्रेन होता है और कहाँ से लीक होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इसको डायग्नाइज किया है तो ये राइट साइड से जो टाइमिंग कवर आता है, हमें इसके केम ऑयल सील और क्रेंग ऑयल सील पे डाउट है। तो सबसे पहले तो हम इसे वॉश करेंगे और वॉश करके और उसके बाद इसे चेक करेंगे एक बार चालू करके कि कहाँ से लीक होता है। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं राइट साइड में पूरा गिला हुआ है। तो हम इसे फिलहाल पहले तो वॉश करके साफ करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इस गाड़ी को रैंप पे लिया है चेक करने के लिए कि इसका ऑयल लीकेज कहाँ से हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नीचे क्रैंक का पुल्ली है फ्रेंड, ये अल्टरनेटर देख सकते हैं, पूरा ऑयल से गिल्ला है फ्रेंड। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, पूरा ब्लैक ब्लैक जो है ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम इसे वॉश करेंगे, पूरी तरह से एकदम क्लीन करेंगे। क्लीन करके एक क्रैंक का पुल्ली और ये दोनों बेल्ट को उतारेंगे, अल्टरनेटर और एसी कंप्रेसर का बेल्ट, और उसका टाइमिंग कवर खोल के इसके बाद अंदर चेक करेंगे कि इसके अंदर के ऑयल सील आता है, क्रैंक ऑयल सील आता है, दोनों ऑयल सील में से किस ऑयल सील से लीक है। तो हम दोनों ये ऑयल सील रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एक ऑयल सील रिप्लेस करके फ़ायदा नहीं है। समझ लीजिए क्रैंक का हमने रिप्लेस किया, फिर कुछ दिन में क्रैंक का ऑयल सील लीक हो गया, तो इसके लिए हम टाइमिंग कवर खोल के दोनों ऑयल सील को रिप्लेस कर देंगे, तो इनका जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इंजन को पूरी तरह से वॉश कर लिया है। इसे थोड़ा हवा मारकर हम क्लीन कर देंगे कि कॉइल ऑयल में अपना पानी वानी गया रहेगा, तो इस मिसिंग ना हो, क्योंकि जैसे जैसे स्पार्क प्लग है चारों, तो स्पार्क प्लग में पानी वानी गया, इसके लिए थोड़ा हवा मार के क्लीन कर देते। तो हवा कौन, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने वॉश किया पूरी तरह से डीजल और पानी से, पूरा हवा खोलिए। हाँ बंद कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम अब इसे रैंप पे से डाउन करते हैं और गाड़ी हम अंदर लेते हैं और एक साइड का राइट साइड का टायर खोल के और फिर इसका टाइमिंग कवर खोलना चालू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इसका एयर फिल्टर फिल्टर ओपन किया है। अब इसका हम पावर स्टीयरिंग का बेल्ट उतार रहे हैं, तो इसका आपका सेटिंग का बोल्ट दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसका 12 का सेटिंग का बोल्ट है। और एक यहाँ पे नीचे है, एक नीचे साइड में आता है, देखिए वो दिख रहा है, ये 12 का और ये 12 का है। दोनों का बोल्ट आप लूज करेंगे तो ये आपका स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग पंप आगे ऐसा ढकेलिएगा, आगे दबाएंगे ये आपका बेल्ट उतर जाएगा। हम आपको बेल्ट निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए पावर स्टीयरिंग का बेल्ट बाहर आ चुका है। इसी प्रकार पीछे एक अल्टरनेटर का बोल्ट का सेटिंग है। ये देख सकते हैं, ये 12 का बोल्ट, इसको भी आप लूज करके पहले लूज कर लीजिएगा, हमने उससे लूज कर लिया है। लूज करके ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों बेल्ट को हमने बाहर ले लिया है, ये अल्टरनेटर का बेल्ट है, एसी का बेल्ट। अब ये जो मेन क्रैंक का पुल्ली का बोल्ट है, इसे हम लूज करेंगे बना ले। सत्रह नंबर का बोल्ट है फ्रेंड, 17 नंबर के बॉक्स पाने से आप इसे आसानी से लूज कर सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड, इधर फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील में इसको ड्राइवर से लॉक कर लीजिएगा। आपको लॉक करना पड़ेगा इसका क्रैंक का पुल्ली का बोल लूज करने के लिए, ठीक है। इस तरह लॉक करके फिर इस तरह खोलिएगा, देखिए हम इसका क्रैंक का बोल लूज कर लिए हैं। हमने इसे लॉक किया है, देखिए यहाँ पे फ्लाईव्हील में नीचे से कट दिया है, कट में आप इस स्क्रू डालकर आसानी से इसे लॉक कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका क्रैंक का पुल्ली भी हमने बाहर ले लिया है। अभी हम टाइमिंग कवर जो आता है देख सकते हैं, पूरी तरह से भी सड़ चुका है, टुकड़ा हो चुका है। तो अभी टाइमिंग कवर भी हम बाहर निकालेंगे, कवर निकाल के उसके बाद इसका जो लीकेज का प्रॉब्लम है पूरी प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसका टाइमिंग कवर भी बाहर निकाल दिया है। ये देख सकते हैं, ये अंदर से ही लीकेज हो रहा है केम के सिर से, ऊपर का केमिकल जो ऑयल सील आता है वो हार्ड होके लीकेज हो चुका है। तो इसका हम ऑयल सील रिप्लेस करेंगे, तो इसका हम क्रैंक का और केम का दोनों ऑयल सील रिप्लेस करेंगे कि आगे चल के कस्टमर को किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम अभी आपको ये टाइमिंग बेल्ट ओपन करके दिखाएंगे। एक केम का पुली है, एक केम का पुली हम ओपन करेंगे तो इसके पीछे इसका ऑयल सील आता है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड, इसके सारे चीज़ें हमने ओपन कर दिया है, सिर्फ ये टाइमिंग बेल्ट हमने ओपन करने वाले हैं। तो इसका हम एक बार आपको टाइमिंग दिखा देते हैं कि इसका केम का क्रैंक का टाइमिंग किधर आता है। हमने इसके टाइमिंग पर ले लिया है, तो ये देख सकते हैं एक पॉइंट है, एक केम के पुली में एक पॉइंट है, देख सकते हैं। इसको टॉप पर रखिएगा इसके सामने, ठीक है। तो अभी एक केम का टाइमिंग हो गया, तो हमने आमने सामने रखा है। अभी इसका हम क्रैंक का टाइमिंग दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पॉइंट, ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये बिंदी, ये बिंदी को आपको ये बिंदी के सामने रखना है। तो फाइनली फ्रेंड, हम इसका टाइमिंग बेल्ट भी बाहर निकाल रहे हैं, इसका कैम का क्रैंक का पुली डालने के लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए इसका ऑयल सील, आपको ये टाइमिंग भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्रैंक का पुली भी बाहर निकालना है, कैम का पुली भी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हम टाइमिंग बेल्ट बाहर निकालते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आप ये बेल्ट उतारने से पहले एक कैम का पुली लूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप बेल्ट उतार देंगे तो कैम का पुली आप आसानी से लूज नहीं होगा। तो बेल्ट उतारने से पहले एक कैम का पुली जो है ये लूज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे इसका ऑयल सील आता है, तो कैम का पुली ओपन करेंगे तो ही आपको ऑयल सील आप रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमने कैम का पुली भी लूज कर दिया है, तो अब हम बेल्ट उतारेंगे। ये इसका बेल्ट टेंशनर है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये बोल लूज करके है। आप इसको स्क्रूड्राइवर के सहारे इसको यहाँ से देखें, हमने इसको स्क्रूड्राइवर डाला है, इसको डाल के आप इसको पीछे सेटिंग करके इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा, ताकि आपका बेल्ट आसानी से उतर जाएगा, आपको चढ़ाने उतारने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको टेंशन बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसी पोजिशन पर इसको इस तरह लॉक कर दीजिएगा, तो आपका ये बेल्ट जो है आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम आपको ऊपर से केम का पुली भी लूज करके दिखाते हैं।
ठीक है फ्रेंड, एक केम का पुली हमने बाहर ले लिया है। तो अब इसका ये जो केम के पुली के पीछे कवर दिया है इसे भी ओपन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा केम का ऑयल निकलेगा। तो इसे भी हम ओपन करेंगे। इसमें 3-10 के बोल्ट दिए, 2 ऊपर 1 नीचे है। देख सकते हैं फ्रेंड, नीचे का बोल्ट हम ओपन कर रहे हैं, उसके बाद दोनों बोल्ट ऊपर का ओपन करेंगे, फिर इसके बाद हमारा प्लेट जो है वो निकल जाएगा बाहर, फिर हमें केम का ऑयल दिखेगा। तो हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे केम का ऑयल किधर आता है और वो क्या हो गया है कि ऑयल लीकेज हो रहा है। देख सकते हैं नीचे का बोल्ट हमने बाहर ले लिया है, अब ऊपर का दोनों बोल्ट भी खोल के आपको दिखाएंगे। ब्लैक पेटी का बॉक्स बना, रेसिट ले लो। ये प्लेट को आराम से निकालिएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने प्लेट भी निकाल लिया है। ये हमारा केम का ऑयल सील है, तो देख सकते हैं ये पूरी तरह से हार्ड हो चुका है। फ्रेंड जब आपका गाड़ी जूना हो जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं इस गाड़ी में। ये जूना गाड़ी होने का नतीजा है, जितना गाड़ी पुराना होते जाएगा उतना आपकी गाड़ी में कंप्लेन निकलते जाएगा। ठीक है, एक केम का ऑयल सील है। हम आपको फिर क्रैंक का ऑयल सील भी दिखाते हैं। इसमें क्रैंक का पुली है फ्रेंड, ये देख सकते हैं एक क्रैंक का ऑयल सील है। ये भी हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ से भी ऑयल लीकेज हो रहा है, देख सकते हैं। तो एक क्रैंक का और केम का दोनों ऑयल सील हम आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा जो ऑयल है उसको पेट्रोल से थोड़ा वॉश करके साफ कर लेंगे, उसके बाद से इस इन दोनों ऑयल सील को रिप्लेस करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमने इसको पेट्रोल से भी पूरी तरह से वॉश कर दिया है, जितना इसके अंदर ऑयल था सब क्लीन कर दिया है। आप कभी भी ऑयल इसके अंदर पेट्रोल से धो के क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर से आप टाइमिंग बेल्ट चढ़ाएंगे, नया ऑयल सील डालेंगे तो फिर से वो बेल्ट में पूरा ऑयल आ जाएगा। इसके लिए उसको पूरी तरह से साफ़ करके लगाइएगा। फाइनली फ्रेंड हम इसका ऑयल सील निकालने जा रहे हैं बाहर रिप्लेस करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कोई बारीकी टोचा जैसा ले लीजिएगा, यहाँ पे कहीं भी डालकर इसको ऊपर की तरफ प्रेस कीजिएगा। ये देखिए इस तरह ये फाइनली आपका ऑयल सील बाहर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह हम ऊपर का भी ऑयल सील रिप्लेस करेंगे। ये हमारा क्रैंक ऑयल सील है, इसी तरह हम कैम का ऑयल सील भी बाहर निकालेंगे और दोनों ऑयल सील रिप्लेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये जूना ऑयल सील है, अभी नया ऑयल सील हम लेके आएंगे तो इसका फिट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, एक इसका कैम का ऑयल सील है, ये ऊपर का ऑयल सील, ये भी हम रिप्लेस करेंगे। दोनों ऑयल सील सेम आता है, कैम का क्रैंक का साइज में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके हमने सारे पार्ट जो थे साफ करके रख लिए हैं। देख सकते हैं एक क्रैंक का पुली है, एक केम का पुली, इसमें सब ऑयल लगा था, हमने सारे चीज़ साफ करके रख लिया है और इसका ऑयल सील भी हमने अरेंज कर लिया है। ये देख सकते हैं इसका दोनों जूना ऑयल सील है और ये दोनों नया ऑयल सील है। आपको हम नज़दीक से दिखाते, देखिए इसमें नया ग्रीस लगा हुआ है, ये दोनों नया ऑयल सील है। ये ऊपर और नीचे दोनों सेम आता है फ्रेंड, साइज में छोटा बड़ा नहीं आता है। देख सकते हैं दोनों ऑयल सील एकदम सेम है, ऊपर नीचे दोनों ऑयल सील सेम लगता है। तो हम ये नया ऑयल सील आपको इसमें फिट करके दिखाएंगे। देखते हैं ऊपर का ऑयल सील हमने निकाल के रखा है, खाली ये देख सकते हैं,
ये नीचे का ऑयल सील भी हमने निकाल के रखा है। अब इस दोनों में हम नया ऑयल सील फिट करके आपको दिखाएंगे। फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड, इसका हम नया ऑयल सील रिप्लेस कर रहे हैं। ये केम का ऑयल सील है। पूरा सेंटर पकड़ के जाएगा। अभी फ्रेंड देख सकते हैं हमने ऊपर का ऑयल सील फिट कर दिया है। ये ऑयल सील हमने बिठाने के लिए एक कूलर बनाया है, ये देख सकते हैं। ये कूलर से क्या होगा फ्रेंड, आपका जो ऑयल सील का जो परफेक्ट एक तरह से अंदर जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होएगा, ऊपर से अंदर चला गया नीचे से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हमने ये कूलर बना के रखा है। आपका ऑयल सील भी डैमेज नहीं होगा ये कूलर की वजह से, आप देख सकते हैं। ऑयल सील ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो हमारा कूलर है ये ऑयल सील के एकदम बराबर है, थोड़ा भी बड़ा छोटा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इसके लिए एक बराबर साइज में अंदर लेके जाएगा टाइट करने के बाद। तो इसके ऊपर आप ऐसे रखिए और एक बोल्ट द्वारा नट जैसे से टाइट करते जाएंगे, आपका ऑयल सील अंदर ऑटोमेटिक जाते जाएगा। सबसे पहले बोल्ट को क्रैंक में फिट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको नट को टाइट कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक ऑयल सील अंदर जाते जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारा ऊपर का ऑयल सील हो गया है। अब इसी प्रकार हम नीचे का भी ऑयल सील फिट करेंगे। ये हमारा केम का ऑयल सील है, ये हमने चेंज कर दिया है। अब क्रैंक ऑयल सील चेंज करेंगे, देख सकते हैं हम क्रैंक ऑयल सील अब चेंज कर रहे हैं। ये हमारा नया ऑयल सील है, आपको फिट करके दिखा रहे हैं। ये हमने हाथ से हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर हम वो कूलर लगाएंगे, कौन कूलर है देख सकते हैं। ये क्या है फ्रेंड, ये हमने क्यू बना के रखा है कि आप अगर हथौड़ी से इसे मारेंगे तो ये ऑयल सील कटने की संभावना हो सकती है, या हाथ से प्रेस करेंगे तो कभी ऑयल सील एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे हो जाता है। लेकिन ये आपको परफेक्ट एकदम चारों तरफ से परफेक्ट अंदर जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, चारों साइड से एकदम परफेक्ट अंदर जाएगा। तो इसके लिए हमने कोन बना के रखा है ऑयल सील प्रेस करने के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा कोन का जो हिस्सा है एकदम ऑयल सील के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठा है, ऊपर नीचे नहीं है, इससे आपका क्या होगा ऑयल सील भी डैमेज नहीं होगा। ये देख सकते हैं हम टाइट करते जाएंगे और धीरे धीरे अंदर जाएगा। और थोड़ा नॉट ओनली तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा बिठा कर पूरी तरह से प्रॉपर हो चुका है, चारों तरफ से एकदम परफेक्ट है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। ये दोनों ऑयल सील हमारा रिप्लेस हो चुका है, दोनों ऑयल सील हमने चेंज किया है। अब इसका जो जो भी पार्ट हमने ओपन किया था उसे फिटिंग करेंगे। ये हमारा हार्ड होने के वजह से इधर से ऑयल लीक हो रहा था, इसके लिए हमने दोनों ऑयल सील रिप्लेस किया है। कस्टमर का कंप्लेन था ऑयल लीकेज का। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ऑयल सील रिप्लेस हो चुका है। अब इसका जो कवर था उसे हम फिट करेंगे। ये हमारा ऑयल सील के
आगे का प्लेट है, इसके पीछे हमारा ऑयल सील आता है, तो हम ये प्लेट को ओपन किया था ऑयल सील रिप्लेस करने के लिए, तो हमें टाइमिंग का प्लेट भी फिट कर देंगे अभी। ये टाइमिंग कवर का प्लेट है, इसमें टाइमिंग कवर का बोल्ट टाइट होता है, उसके लिए प्लेट दिया जाता है, ठीक है, तो इसे भी हम फिट करके दिखाएंगे। देख सकते फ्रेंड, हमने इसका बोल्ट भी बिठा दिया है, अभी इसे टाइट कर रहे हैं हम। ये टाइमिंग कवर का प्लेट है, इसमें फ्रेंड फाइनल चार बोल्ट आते हैं, 1, 2, ये देख सकते हैं इधर पे है 3, और इसके नीचे 4, वो हम आपको अभी लगाए नहीं है, बिठा कर दिखाते हैं। एकदम नीचे देखिए जहाँ पाना दिखा रहे हैं, तो हम चारों बोल्ट आपको लगा के दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड, हमने आपको बताया था इसका दोनों ऑयल सील हमने रिप्लेस कर दिया है, तो इसका जो टाइमिंग का कवर आता है, ये देख सकते हैं इसमें टाइमिंग कवर फिट होता है, ये हम फिट कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 4 बोल्ट आता है, देख सकते हैं 1, ये 2, और इसके नीचे देखिए वो देख रहे हैं नीचे 3, और ये फाइनल ये 4 जो हम एक बोल्ट टाइट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो फाइनल फ्रेंड, चारों बोल्ट हमारा इसका टाइट हो चुका है, अब इसका हम पुल्ली लगाएंगे केम का। ये पुल्ली में देख सकते हैं फ्रेंड, एक कट है, तो केम में इसके एक की दिया रहेगा, वो की में एक कट, जो पुल्ली का कट है उसके अंदर आप डालिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा, तो की आपका बेंड हो जा सकता है। इसमें देखिए 17 नंबर का बोल्ट आता है, ठीक है फ्रेंड, ये हमने बोल्ट बिठा दिया, अभी इसे टाइट करेंगे फाइनल। फिक्स करना था अंदर, नहीं नीचे भी। फ्रेंड, इसको हम बेल्ट बिठाकर फाइनल टाइट करेंगे कैम का बोल्ट, इसी प्रकार हम नीचे का भी क्रैंक का पुल्ली बिठा देते हैं। देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर भी एक की है, एक क्रैंक के, ये देख सकते हैं क्रैंक में एक की है, और ये पुल्ली में भी की है एक, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्रैंक का पुल्ली है जो हम बिठा रहे हैं, आपको बताए थे की टू की मैच हो जाना चाहिए, तो हम इसको मैच करके डालेंगे। हमने पुल्ली बिठा दिया है, पोकल नट दीजिए ना, पोकल नट डाल के घुमाने के लिए, ये भी हमने फिट कर दिया है। अब इसका हम आपको टाइमिंग बताते हैं, क्रैंक का टाइमिंग किधर आएगा, थोड़ा सा और, बस बस बस, एकदम परफेक्ट। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो इसका पॉइंट है फ्रेंड, ये देख सकते हैं बिंदी, ये बिंदी कट दिया है, ये कट के एकदम सेंटर में आना चाहिए, ये देख सकते हैं। ये बिंदी का एकदम एरो देख सकते हैं आप, एकदम स्ट्रेट हमने इस पे रखा है, ये पॉइंट पे इस पे बता दो, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम आपको इसको क्रैंक का टाइमिंग दिखाते हैं नीचे का, ये देख सकते हैं ये जो डॉट है, ये डॉट ये कट के सामने आना चाहिए, ये इसका क्रैंक का नीचे का टाइमिंग है। इसी प्रकार हम आपको ऊपर का भी टाइमिंग दिखाते हैं कैम का, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका जो कलर मार्क है, इसमें कट है, कट एकदम बराबर ये मार्क के सामने आना चाहिए, ये इसका कैम का टाइमिंग है, ठीक है फ्रेंड, कैम का टाइमिंग है, और नीचे का वो क्रैंक का टाइमिंग जो बिंदी हमने दिखाया था वो कट के सामने रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आपको इसका टाइमिंग बेल्ट जो है वो बिठा कर दिखाते हैं,
बस। तो फाइनल फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इसका टाइमिंग बेल भी लगा दिया है, इसका कैम का पुल्ली हमने लूज किया था उसे भी फाइनल टाइट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका बेल्ट भी हमने लगा दिया है। तो फाइनली फ्रेंड आप इसका टाइमिंग भी देख सकते हैं, ये जो पुल्ली पे कट है एकदम ये पॉइंट जो मार्क दिया है इसके सामने रखिएगा, देख सकते हैं हमने आपको इसका रखा है, कैम का टाइमिंग है। और ये इसका क्रैंक का टाइमिंग है, ये जो बिंदी है ये अंदर एक देख सकते हैं कट दिया है एरो टाइप, इसके सामने बिंदी को रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फाइनली ये हमारा टाइमिंग भी ओके हो चुका है। अब बाकी इसका जो टाइमिंग कवर आता है अल्टरनेटर बेल्ट एसी बेल्ट सब लगा के हम आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। फाइनली आप देख सकते हैं हम इसका टाइमिंग कवर भी लगा दिए हैं, इसका टाइमिंग कवर का बोर्ड लगा रहे हैं, ये टाइमिंग कवर हमने रिप्लेस किया है क्योंकि पूरी तरह से सड़ चुका था। तो देख सकते हैं इसका जूना टाइमिंग कवर है, ये देख सकते हैं पूरा टूट चुका है, ये नीचे का जितना राउंडिंग पोजिशन आता है इसे देख सकते हैं सब टुकड़ा बन गया था, देखिए पूरा हार्ड मेटल हो गया था, तो हमने भी रिप्लेस किया है। देख सकते हैं इसका नीचे का टाइमिंग कवर भी हमने रिप्लेस कर दिया है, ये दो पीस में आता है ये नीचे का ऊपर का, इसके सारे बोल्ट भी टाइट कर दिए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा टाइमिंग कवर कंप्लीट हो गया है, अब हम क्रैंक का पुल्ली लगा रहे हैं, ये क्रैंक के पुल्ली का बोल्ट है ये लगाकर फिर इसके बाद अल्टरनेटर का बेल्ट और एसी का बेल्ट लगा देंगे, हमारा गाड़ी कंप्लीट हो जाएगा। दम सेंटर है। ठीक है फ्रेंड, फाइनली आप देख सकते हैं हमने पावर स्टीयरिंग का भी बेल्ट बिठा दिया है और अल्टरनेटर का बेल्ट भी हमने बिठा दिया है, तो देख सकते हैं अल्टरनेटर का बेल्ट है। ये इसका अल्टरनेटर का बेल्ट है, ये अल्टरनेटर का बेल्ट भी हमने रिप्लेस किया है और पावर स्टीयरिंग बेल्ट भी हमने रिप्लेस किया है। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हमने इसका दोनों बेल्ट रिप्लेस कर दिया है, अल्टरनेटर का बेल्ट और पावर स्टीयरिंग बेल्ट, एसी कंप्रेसर का बेल्ट, देख सकते हैं आप ये दोनों बेल्ट हमने रिप्लेस कर दिया है और ये टाइमिंग कवर भी रिप्लेस किया क्योंकि ये पूरी तरह से सड़ चुका था, और इसका कैम का क्रैंक का दोनों ऑयल सील हमने रिप्लेस किया है। मेन इसका प्रॉब्लम ऑयल लीकेज का था, तो दोनों इसका ऑयल सील हार्ड हो गया था, इस वजह से हमने दोनों ऑयल सील रिप्लेस कर दिया। ठीक है फ्रेंड, और ये सारी चीज़ें भी गए थे तो कस्टमर को आगे चल के कंप्लेन ना हो, इसके लिए हमने दोनों इसके चीज़ें चेंज कर दिए हैं, उसका टाइमिंग बेल्ट भी रिप्लेस कर दिया और दोनों पावर स्टीयरिंग और अल्टरनेटर बेल्ट भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा गाड़ी ओके हो चुका है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि फाइनली कोई ऑयल लीकेज नहीं है ना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग ये सारी चीज़ें ऊपर से हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नीचे से भी हमने सारी चीज़ इसका कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब इसका खाली एयर फिल्टर बाकी है, तो एयर फिल्टर हम लगाने जा रहे हैं, बाकी हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं ये इसका एयर फिल्टर है, ठीक है, तो एयर फिल्टर हम लगा के और उसे गाड़ी स्टार्ट करके और थोड़ी देर रखेंगे और फिर हम चेक करेंगे। तो इसकी इतनी सारी चीज़ें हमने रिप्लेस की है फ्रेंड, देख सकते हैं इसका टाइमिंग बेल्ट है क्योंकि ये 90,000 किलोमीटर चल चुका था, 1,00,000 किलोमीटर भी चेंज करते, इसके लिए कस्टमर से बोलकर हमने ये भी चेंज करवा दिया कि दोबारा उनका फिर से इसके लिए खर्चा ना हो, और एसी बेल्ट अल्टरनेटर बेल्ट भी हमने दोनों चेंज कर दिया और ये टाइमिंग कवर भी चेंज कर दिया है और दो कैम का ऑयल सील भी रिप्लेस कर दिया है।
देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका दोनों केम का क्रैंक ऑयल सील है, ये भी हमने रिप्लेस कर दिया है। ये सारी चीज़ें हमने इस गाड़ी में रिप्लेस की है। ये हमारी सेवरलेट कंपनी की युवा गाड़ी है जिसका हमने ये सारा चीज़ें चेंज की और काम किया है। ठीक है, तो बाकी हम इसे कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा जो कस्टमर का कंप्लेंट था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड हम ये गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं हम, ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। ये हमारी युवा गाड़ी है सोयलाइट कंपनी की। देख सकते हैं आप लोग, इसमें किसी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं, एकदम साइलेंट इंजन है। इसका हमने टाइमिंग बेल्ट भी रिप्लेस किया है और एसी बेल्ट और पावर स्टीयरिंग बेल्ट और अल्टरनेटर बेल्ट, दोनों बेल्ट हमने रिप्लेस किया है इसका। और दोनों मेन ऑयल सील, क्रैंक ऑयल सील, कैम ऑयल सील भी रिप्लेस किया है क्योंकि इसका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था। ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से ओके हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने चालू रखा है इस गाड़ी को, आधा घंटा हम चालू रखेंगे लीकेज चेक करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए। फाइनली फ्रेंड ये आप गाड़ी देख सकते हैं, ये सेवरलेट कंपनी की युवा गाड़ी है जो हमने आपको बताया। इसका देखिए हमने सब फाइनल कर दिया, एक घंटे से हमने इस गाड़ी को चालू करके रखे हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं किधर से कुछ लीकेज नहीं है, हम नीचे जाकर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम आपको दिखाते हैं इसमें सारे चीज़ें, आप नीचे से कि देखिए किधर से कोई लीकेज नहीं है करके। ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने इसका ऑयल सील चेंज किया है, देख सकते हैं यहाँ पूरा सूखा पड़ा है, किसी पर कोई लीकेज नहीं है। ये इसके चेंबर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ये ऑयल सम है, देख सकते हैं ऑयल सम भी पूरा सूखा पड़ा है। तो पीछे का हिस्सा है ऑयल सम का, देख सकते हैं पीछे साइड भी। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहीं से कुछ भी लीकेज नहीं है, एक बूंद भी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुकी है बिना किसी कंप्लेन के। हमारा जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमने ये गाड़ी को एक घंटे से चालू करके रखा था, देख सकते हैं कहीं भी किसी प्रकार कोई भी ऑयल एक बूंद भी नहीं है। तो अब हम इस गाड़ी का ये हमने खाली इसका टायर ओपन करके रखा है, तो इस टायर को हम लगाकर गाड़ी फाइनल करके डाउन कर देते हैं और एक टेस्ट ड्राइव लेके हम ये गाड़ी को कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ इसका बिल लगाना बाकी है, तो हम वो भी अब कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, गाड़ी को बंद कर दीजिए, फिर एक बार रेस कीजिए। फ्रेंड इसका साउंड सुन सकते हैं आप लोग, ठीक
ये हमारी गाड़ी अब पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुकी है, खाली हमारा व्हील डाउन करना बाकी है। तो हम व्हील डाउन करके ये गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव लेके कस्टमर डिलीवरी दे देंगे। तो इसी तरह आप लोग का प्यार और आशीर्वाद हमारे इस चैनल पर बनाए रखिए, ताकि आगे चलकर हम आप लोग को अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने पेश कर सके। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो सोयलट युवा का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।